बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैर के होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से आज का व्लॉग। अभी हम लोग फिर जा रहे हैं आगे। अभी मैंने व्लॉग एंड किया है और एहसन भाई हमें इंडिया लेके जा रहे हैं बाइक के ऊपर। पीछे एक चौकी गुजरी है और अब हम आगे। ये इंडिया और पाकिस्तान व कश्मीर के दरमियान वाला इलाका है और इससे आगे इंडिया है। इंडिया कितना दूर आगे? इंडिया उधर। ये पीछे जो उनका पहाड़ नज़र आ रहा है, ये इंडिया का पहाड़ है और इधर से ही गोले वगैरह आते हैं। आज तो ना ही आए क्योंकि ये ना कैमरे भी लग जाए। वैसे हाँ, ये जो उनसे पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंडिया के पहाड़ हैं। हम तो बिल्कुल बॉर्डर के करीब से जा रहे हैं। ये पीछे जोन से इलाके नज़र आ रहे हैं वो, ये एहसन भाई का मेरा एरिया, ये इधर का टाउन है इस इलाके का। इधर ही इसका घर भी है और हम लोग अब दूसरे बॉर्डर वाली साइड से जा रहे हैं आगे। अभी हम लोग रुके हैं, ये जोन सा रोड है, ये इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और मैंने एहसन भाई को बोला है कि हमने उस तरफ जाना है, तो वो बोल रहे हैं ठीक है चलते हैं। और बाइक वापस ले रहे हैं, वैसे हम लोग इस तरफ जा रहे थे। यहाँ मौसम बहुत प्यारा है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है और अब हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग इधर पहुँचे हैं, इधर विलेज वाले हमें आगे नहीं जाने दे रहे क्योंकि आगे इंडिया का ख़तरा होता है। ये पीछे जो उनसे सारा नज़र आ रहा है, आगे इंडिया है और आगे साथ ही चौकी है। वो बोल रहे हैं कि वो आगे नहीं जाने देंगे, अगर आप साइड से भी जाते हैं तो ख़तरा होता है इधर, इसलिए हमें विलेज वाले सारे लोग मना कर रहे हैं और हम लोग अब वापस जाने लगे हैं। बारिश आ गई है और हम लोग इधर दरख्त के नीचे रुक गए हैं क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है। इसके कीड़े काल करो, काल करो सीधा रूम में खाना। तो मैं भी रूम में ही होता हूँ। आराम से अब कपड़े गंदे हो गए। अभी सही गीले हो गए, इधर पहुँचे हैं, मस्जिद है उसमें आए हैं, थोड़ी देर रुके और देखें पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी हम इधर से ये दरिया के ऊपर से जा रहे हैं और पीछे सारा हमारा शूटिंग टाइम जा रहा है, सारे दोस्त पिक्चर वगैरह बना रहे हैं और मैं आगे पैदल जा रहा हूँ। वैसे बाइक इधर से क्रॉस करके आगे अब वापसी जाने लगे हैं। पीछे इंडिया को अल्लाह हाफिज़ कह आए हैं क्योंकि आगे विलेज के लोगों ने हमें नहीं जाने दिया। हमारा काफ़ी दिल था जाने का लेकिन उन्होंने रोक लिया कि मसला हो जाता है, किसी भी वक्त वो फायर कर देते हैं अगर कोई बंदा भी नज़दीक देख लें बॉर्डर के। तो अभी इधर रुके हैं, चाय पी रहे हैं। ये यहाँ की बहुत मशहूर चाय है, एहसन भाई ने बोला है। अभी हम लोग फिर वापस तत्ता पानी पहुँच गए हैं और एहसन भाई अब वहाँ से जुदा होने वाले हैं। फिर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास कब चक्कर लगा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अभी थोड़ा सा रुके हैं, जैसे हम लोग उधर से निकले हैं तकरीबन डेढ़ दो घंटे हो गए हैं मुसलसल बाइक पे सफ़र करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका है और काफ़ी ज़्यादा थक गए। अभी थोड़ा सा स्टे किया है क्योंकि अब बैठने भी नहीं हो रहा था बाइक पे, इतना ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग मुसलसल बाइक चला ही रहे हैं। तो अब वापस जा रहे हैं दोस्त के घर। तो अभी आगे आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा लेकिन अब हिम्मत जवाब दे गई थी इसलिए कुछ देर रुक गए। अभी पहुंच गए हैं दोस्त के घर और आज इतना ज़्यादा थक गए हैं कि क्या बताएं। अभी आगे बाहर ही लेट गया हूँ, रूम में नहीं गया क्योंकि रूम में अबस बनी हुई थी। तो इधर बाहर सेन में ही पंखा चला के लेट गई हूँ बरामदे में। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप बताएं आपको वीडियो ऐसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें,
और कमेंट में लाजमी बताएं, जो नहीं उस दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।